है कोई समाधान? क्या उन्होंने उचित नहीं समझा कि भाई उनके आने से 4 दिन 5 दिन पहले जिस जिले में एक हत्या हुई है, आते परिवार से मिलते, ग्रामीणों से मिलते, उनकी बातों को सुनते और एक कड़ा निर्देश देते। भाई जब तक मुख्यमंत्री कोई कड़ा निर्देश नहीं देंगे, कैसे अपराधियों में डर भय बैठेगा? और ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है ना भैया, गृह मंत्री भी हमारे प्रदेश के। और जब तक आप किसी पीड़ित परिवार से मिलिएगा नहीं, तो अपराधियों को कैसे संदेश जाएगा? जहरीली शराब से हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। अपराधियों की गोलियों से हत्याएं होती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, मुख्यमंत्री नहीं जाते। और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमारी जानकारी में नहीं है। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनके प्रशासन का संरक्षण प्राप्त है। और खास तौर पर जब जांच की आज स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधि के प्रति अगर उठती है, तो भैया उनको तो संरक्षित करेंगे ही मुख्यमंत्री। इनके अधिकारी बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं। इनके नेता बड़बोले बयान देते हैं, मुख्यमंत्री उनको संरक्षण देते हैं। और ये संरक्षण उन असामाजिक तत्वों को जाता है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। परिणाम स्वरूप बिहार में हत्याओं की श्रृंखला रुक नहीं रही है। बहरहाल इस विषय को मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में, लिखित रूप में DGP के भी संज्ञान में, और स्थानीय SP से मेरी बातचीत हुई है इस विषय को लेकर। उम्मीद करते हैं कि कम से कम परिवार को न्याय दिलाने का काम हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे। मुजफ्फरपुर स्थित साहू पोखर महादेव मंदिर में शिवरात्रि को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें शिव भक्त संजय कांति और विक्रम सर्राफ ने बताया कि इस बार शिवरात्रि को लेकर साहू पोखर महादेव मंदिर पर बाबा का शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 17 को बाबा की पूजा मटकोर और 18 को शिव विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस 17 फरवरी को सत्यनारायण पूजा के साथ ही बाबा का महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। शिव विवाह में हम लोग निर्णय लिए इस बार 17 तारीख को बाबा का पूजा मटकोर के अवसर पर इस बार विशेष भंडारा का आयोजन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और सारे शिव भक्त मिलकर इस बार बाबा के पूजा मटकोर में हम लोग दाल भात पापड़ तिलौरी दही का पूरा प्रसाद वितरण करेंगे। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग यहाँ पधारे और प्रसाद का जरूर एक बार प्रसाद खाकर बाबा का यहाँ से एक बार जरूर आवे। ये सभी लोग से हम यही बाबा के शिव भक्त लोगों से गुजारिश है कि एक बार साहू पोखर शिव मंदिर पे आकर आप लोग बाबा का महाप्रसाद का भोजन जरूर ग्रहण करें।